अपनी चीजों से असंतुष्ट और दूसरों की चीजों से संतुष्ट और खुश क्यों रहते हैं जानेंगे इस वीडियो में। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सी कोट है, एक बहुत अच्छा सा प्रोवर्ब जो पॉपुलर है, उसे इस प्रकार से कहते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये इस प्रकार से है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं दूसरों की चीजों से बहुत खुश है, संतुष्ट है, और अपनी चीजों से असंतुष्ट है और दुखी है। एक हिंदी की फेमस कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहाने, मीन्स चीज़ें हमेशा हमें दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जब उनके करीब जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी वाली चीज़ ही बहुत बेहतरीन थी, और उसका वैल्यूएशन, उसकी कीमत कहीं ना कहीं खो देने के बाद ही हमें समझ में आती है। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अंत तक देखें और कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत अच्छी लर्निंग आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कहानी एक किसान के बारे में जो शहर से दूर रह रहा है, और वो संपन्न है पैसों से और हर एक चीज उसके पास बहुत अच्छे से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी वो पजेस कर रहा है उससे वो बहुत परेशान है। वो ये सोचता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं बेचकर कहीं और सेटल हो जाऊं, इसीलिए वो अपने एक मित्र जो कि रियल एस्टेट एजेंट है उसे बुलाता है और कहता है यार मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि भाई बात क्या है, तू अपनी ये प्रॉपर्टी बेचना क्यों चाहता है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है, मैं इस प्रॉपर्टी से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ और मैं ये बेचना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। और देखो वो किसान जो है कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड को दिखाता है कि देखो यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आना जाने में भी बहुत तकलीफ होती है, ये झील देखो इसके चक्कर में मुझे बहुत घूम के आना पड़ता है, ये पहाड़ देखो इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे जानवरों को चराने में दिक्कत होती है, और इसी सारा ये जो गार्डन है ये हमेशा बहुत गंदा हो जाता है और इसको साफ करने में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, क्या अच्छा क्या है यहाँ, मुझे अगर तुम एक भी चीज़ कोई अच्छी बताओ तो मुझे ये रियलाइज़ हो कि हाँ मेरे पास एक सही प्रॉपर्टी है, शहर से दूर है इसलिए मुझे आने जाने में भी समय लगता है और यहाँ कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ जो उसका फ्रेंड होता है उस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छी तरीके से जायजा लेता है, घूम घूम कर वो अपने छोटे मोटे नोट्स बनाता है और अपने फ्रेंड को ये कहता है ठीक है तुम ये बेचना चाहते हो तो एक सप्ताह बाद हम कहीं ना कहीं एक अच्छे से ग्राहक को लेकर आपके पास आएंगे तो तुम उससे डील कर सकते हो। ये घटना के 2-3 दिन बाद जब किसान अखबार पढ़ रहा था तो उसने एक टाइटल पढ़ा, अपने सपनों का घर। एड काफी आकर्षक लगा तो उसने एड को पूरा ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एड में इस प्रकार से लिखा था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने सपनों के घर में आके बसिए, जहां नहीं है किसी भी प्रकार का प्रदूषण, मीन्स देर इज नो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, मीन्स किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण है जिससे शहर में रहने वाले लोग बहुत परेशान और दुखी होते हैं, तो इन सारी जो है चीजों से वो दूर है और यहाँ एकदम शांति है, चैन है, अमन है, और यहाँ झील है, पहाड़ है और बगीचा है, इन सभी चीज़ों का जो फायदा और प्राकृतिक नज़ारे का फायदा, प्रकृति की गोद में आकर बसने का फायदा अपने सपनों के घर के साथ आप ले सकते हैं। एड काफ़ी आकर्षक लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे किसान को ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी का तो एड नहीं है, इसलिए उसने वहाँ नीचे लिखे नंबर पर कॉल लगाया। नंबर था 9099824080, और इस नंबर पे जैसे ही उसने फोन लगा के कॉल किया तो उसे पता चला ये तो उसी की प्रॉपर्टी का एड है जो उसने बेचने के लिए अपने रियल एस्टेट एजेंट फ्रेंड को कहा था। तो उसे ये महसूस हुआ कि ये जो घर है ये मेरी बहुत ही कीमती जगह है जो कहीं ना कहीं मैं खो देने वाला हूं, तो उसने अपने फ्रेंड को तुरंत कहा ये ऐड कैंसिल कर दीजिए, मुझे अपना घर नहीं बेचना है, मैं अपने घर से बहुत संतुष्ट हूं, खुश हूं। इस कहानी से अगर एक बहुत अच्छा लेसन, एक बहुत अच्छी शिक्षा लेने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा हर एक वो चीज़ जो इंसान पजेस करता है, अपने पास है, स्वयं की है, उसे ये लगता है बहुत लेस वैल्यूएबल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इससे मैं छुटकारा पाऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा, मुझे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। मीन्स वी कैन इजीली से कि व्यक्ति मटीरियलिस्टिक और नॉन मटीरियलिस्टिक,
हर एक वो चीज जो उसके पोजीशन में है उसको वो हमेशा कम आंकता है, उसे वो कम वैल्यू देता है, लेकिन जो भी चीज उससे बहुत दूर होती है उसे लगता है कि वो सारी चीजें बहुत ही हाईली वैल्यूएबल है। लेकिन अगर हम उन लोगों से जाके पूछे जिन लोगों को हम बहुत संतुष्ट मान रहे हैं, जिन लोगों को हम बहुत खुश मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी यही आंसर देंगे कि हम भी अपनी चीज़ों से संतुष्ट हैं, हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों से उतनी उतना आनंद नहीं मिल पा रहा है जितना हमें दूसरों की चीज़ों को देखने पर मिलता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस फॉर्मेट गोज विद ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। मतलब हर एक इंसान जो इस दुनिया में रह रहा है, हमेशा आप उनसे जब बात करेंगे तो यही महसूस करेंगे। और ये जो कहावत मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये हर एक व्यक्ति अपने कहीं ना कहीं लाइफ में वो महसूस कर रहा होता है और उसको फॉलो भी कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ही चीज़ें, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले, मेरी प्रॉपर्टी या मेरी जॉब, मैं जिन भी चीज़ों को पजेस करता हूँ वो बहुत लेस वैल्यूएबल है, मुझे वो दूसरी चीज़ें चाहिए जो मुझे दूर लगती है। लेकिन वो चीज़ें पा लेने के बाद भी कहीं ना कहीं आप यही महसूस करेंगे कि मेरी पहले वाली चीज बहुत अच्छी थी। जैसे यहाँ किसान के साथ हुआ, किसान जिस प्रॉपर्टी को बेकार मान रहा था, जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा था, उसी प्रॉपर्टी को रियल एस्टेट एजेंट ने इस प्रकार से सजाया कि बहुत सारे लोग उस प्रॉपर्टी को पाने का एक सपना जो सजो रहे हों, जो शहर में भीड़ भाड़ में रहकर, शोर शराबे में, प्रदूषण में रहकर परेशान हो गए हों और उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मुझे दूर जाकर कहीं ना कहीं एक शांत पीसफुल एटमोस्फियर में रहना चाहिए, जो किसान उस प्रॉपर्टी से दुखी था। इट सिंपली मीन्स लाइफ में हर एक वो चीज़ जो हमारे पास है वो हाईली वैल्यूएबल होनी ही चाहिए। अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे खो देने के बाद हम रिग्रेट करें, दैट वुड नॉट बी अ राइट डील एट ऑल। देयरफॉर यू मस्ट वैल्यू द थिंग्स व्हाट एवर यू पजेस, ईदर दोज आर योर रिलेशंस, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, property, job, whatever you are possessing, you must highly value them because they are the dream of lot of people in this world. क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम possess करते हैं, हो सकता है दुनिया में वही किसी न किसी व्यक्ति का सपना हो जिस चीज़ से हम छुटकारा पाना चाहते हो। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोज़ देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।